इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप अपने कीबोर्ड पर आप अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के, सिंपली आप अपना फोटो लगा सकते हैं। तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर है और यहाँ पर अपने व्हाट्सएप के कीबोर्ड में या कोई भी आपका मोबाइल का कीबोर्ड हो उस पर आप अपनी फोटो खुद की लगा सकते हैं। इसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए हम अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और जैसे ही देखिए हम अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर हम किसी भी चैट को ओपन कर लेते हैं। देन किसी भी चैट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले मैं अपना कीबोर्ड आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से आपको हमारा कीबोर्ड देखने को मिल रहा है। पीछे देख सकते हैं पूरा का व्हाइट है और इस तरीके से ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर अपनी फोटो लगानी है, तो इसके लिए देखिए क्या करना है, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। इसके लिए देखिए आपके कीबोर्ड में ही आपको देखिए एक सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा, दिख रहे हैं आपको। इस तरीके से अगर ये सेटिंग का आइकन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से तो आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है आपका कहीं ना कहीं सेटिंग का आइकन होगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए एरो का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहां पर क्लिक करेंगे तब ये आपका सेटिंग का आइकन आ जाएगा। सिंपली आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे सो इस तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट आप आ जाएंगे। अगर इस तरीके से आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग पे जाएंगे, फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए इस तरीके से चले आएंगे और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ऑडिशनल सेटिंग का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद देखिए आपको कीबोर्ड एड इनपुट मेथड का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही देखिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर जीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, अवेलेबल कीबोर्ड, इसके नीचे जीबोर्ड, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बिल्कुल सेम उसी जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर डायरेक्ट ऑप्शन वहाँ पर नहीं है तो इस सेटिंग से आ जाइएगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर अपना फोटो लगाना है। देखिए थीम्स का ऑप्शन है, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अभी यहाँ पर देखिए जो थीम्स अवेलेबल हैं जो पहले से हैं वो आपके कीबोर्ड पर थीम्स लगे हुए हैं, लेकिन आपको खुद लगाना है तो देखिए माय थीम्स पर आप पर क्लिक करेंगे, प्लस का आइकन होगा आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आप अपनी गैलरी से जो भी फोटो चाहते हैं वो फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो देखिए मैं एक ये फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए जैसे इस फोटो के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो अपने हिसाब से आपको फोटो को एडजस्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप जितना भी फोटो का पार्ट रखना चाहते हैं, जूम करना चाहते हैं फोटो को या जूम आउट करना चाहते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लेंगे। चलिए मैंने फोटो को सेट कर लिया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आप क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि फोटो जो पीछे है वो काफ़ी कम दिख रही है, तो आपको इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अभी आपको फोटो एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस को आप कम भी इस तरीके से कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर डन पर क्लिक करता हूँ। अभी देख सकते हैं जो हमारी बैकग्राउंड में फोटो है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए कीबोर्ड का जो सिस्टम है इसको आप अगर ऑफ कर देंगे तो ये देखिए पीछे का जो व्हाइटनेस है वो हट जाएगा, सिंपली आपकी फोटो आपको शो करेगी। अगर आप इस पर जो दिखाई देते हैं यहाँ पर कीबोर्ड का सिस्टम इस तरीके से क्लिक करेंगे तो उभरा हुआ दिखाई देगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहे वो पसंद कर सकते हैं। देन देखिए अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे एडजस्ट करने के बाद। अभी देखिए आपके कीबोर्ड में ये जो सेटिंग्स है वो अप्लाई हो चुकी है। देखिए यहाँ पर मैंने अप्लाई पर क्लिक किया, यहां से कट करते हैं और अपने हम व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। जस्ट देखिए मैंने ओपन किया तो देख सकते हैं जो इसके बैकग्राउंड में है हमारी फोटो लग चुकी है। सो इस तरीके से आप भी बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल के कीबोर्ड में अपनी फोटो लगा सकते हैं। सो मैं आशा करता हूं ये छोटी सी वीडियो थी आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।